हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम हिंदी के मेरा थर्ड पार्ट है, जिसमें आपके वर्ण और उच्चारण और वर्तनी के हिसाब से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से, डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हिंदी से 125 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपके असाइनमेंट्स के लिए, 125 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी दो पार्ट है डल चुकी है, तो उसको जाके देख सकते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है, लगभग 45 क्वेश्चन तक हम सेकेंड पार्ट में कवर किए थे, तो ये थर्ड पार्ट है, तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो बाकी जो क्लासेस को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो और कल का रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो अपना रिजल्ट वगैरह भी चेक कर लीजिएगा, रैंक वगैरह कितना बन रहा है उसके हिसाब से अपने मेंस की भी तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो हम सेकेंड पॉइंट पे 45 क्वेश्चन किए थे, तो हम 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके 2012 के मेंस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, और सिलेबस भी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं डाल दिया है, तो उसको भी जाके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, यहाँ पे प्रतिनिधि जो शब्द दिया गया, यहाँ पे कौन सा ए बी सी डी इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन दिख रहा है, प्रतिनिधि, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, ये आपका जो शब्द है सही हो जाएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध शब्द यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द यहाँ पे सही है। तो ए बी सी डी, इसमें भी चार ऑप्शन दिया है, तो कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है। तो आपका जो बी ऑप्शन है पूजनीय जो लिखा है आपका, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसकी वर्तन यहाँ पे शुद्ध है। तो यहाँ पे प्रार्थ्य, चरण, पूजनीय, अनुग्रहित, इसका जो वर्तनिक हिसाब से जो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा, यहाँ पे सही जो आंसर दिख रहा है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुग्रहित जो शब्द लिखा हुआ है आपके वर्तनी से दृष्टि से, आपके शुद्ध शब्द आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुग्रहित सबसे शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी सबसे शुद्ध है। तो उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त, जो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पुलिस में, रेलवे में, टीचर भर्ती में, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है। तो ए बी सी डी, यहाँ पे चारों ऑप्शन में, तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे बोला गया है औदार्य की तरह व्यवहार करने वाले शब्द में कौन सा शब्द ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन दिख रहे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह के व्यवहार करने वाले शब्द पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी जो है आपके यहाँ पे अशुद्ध है, मतलब गलत शब्द है। तो अनंग, परिहास, व्यंग्य, हास्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन व्यंग्य। व्यंग जो शब्द लिखा है आपके वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, ये जो क्वेश्चन आपके सी जी प्री बी एड परीक्षा 2010 में क्वेश्चन को पूछा गया था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है अलग अलग एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम पी करके इसको रख लीजिएगा। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे दो दिया शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे पहचानना है। बहुत बार इसको आपके पटवारी में और आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको याद रखिए, बहुत ही अक्सर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कवित्री, जो लिखा है आपका ए ऑप्शन, कवित्री शुद्ध वर्तनी से शुद्ध जो शब्द है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कवित्री जो लिखा है ए ऑप्शन, ये आपके शुद्ध वर्तनी है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, यहाँ पे शुद्ध वाले जो शब्द को यहाँ पे चुनना है, तो इसका जो ए ऑप्शन है शुश्रूषा जो लिखा हुआ है, ये आपका शब्द शुद्ध वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द लिखा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द यहाँ पे रूप कौन सा होगा। तो ये आपके यूपीएससी में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन को पूछा गया था, यहाँ ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो सही आंसर हो जाएगा अभी दुर्निर्वाद जो आपका डी ऑप्शन लिखा है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का जो लेखन निम्नलिखित किसमें हुआ है।
तो ए बी सी डी यहाँ पे पंचांग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पंचांग जो शब्द में उच्चारित ध्वनि को जो लेखन किसमें हुआ है, तो आपके सी ऑप्शन पंचांग में हुआ है। तो इसका यहाँ पे जो मात्रा वगैरह हलंत वगैरह है तो उसको भी खास आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हलंत से लेकर मात्रा तक को भी आपको बारीकी से ध्यान देना। एक भी अगर मात्रा या हलंत जो आप मिस्टेक करते हैं तो आपसे नंबर बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो क्लेश लिखा है ए बी सी डी में, इसका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन क्लेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा या बग्गा में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वल्गा जो शब्द है, इसमें आपका द्वित्व का प्रयोग इस शब्द में नहीं हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वल्गा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्रज्वलित लिखा है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से शुद्ध रूप में कौन सा शब्द लिखा है? तो आपका जो प्रज्वलित लिखा है ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे शुद्ध शब्द यहाँ पे भी छाटना है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर आपका डी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अशुद्ध शब्द यहाँ पे छाटना है। तो यहाँ पे वाग्मय 19वीं जो सना 5वां लिखा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अशुद्ध शब्द है। तो जो सना जो शब्द है आपका अशुद्ध है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश में जो श्रद्धा जो शब्द लिखा हुआ है, तो श्रद्धा शब्द जो है आपके किस शब्द के पहले आएगा? तो शासन, सौर या श्याम या श्रमिक? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रमिक जो है आपका इस शब्द के पहले आपका श्रद्धा शब्द आएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? तो हास, हार्दिक, हृदय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हास, राज जो है आपके इस शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो शब्द है शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो अंकुर, आकार, अनिरुद्ध, आंकना? इसका सही ऑप्शन होगा अंकुर। तो शब्द जो है आपके शब्दकोश में सबसे पहले आएगा अंकुर, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो युग्म है जो आपके अघोष ध्वनि है? तो आपका ऑप्शन अ है आपका, ए है आपका गर घ, बी है ड ढ, सी है पर फ, और डी है आपका द और ध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन प, और आपका जो फ है जो आपका जो शब्द है वर्ण है आपका युग्म जो अघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो अघोष ध्वनि किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनि को जो उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। टोटल कितनी अघोष ध्वनि है? इनकी संख्या तो 13 है। तो इसको याद रखिए, अघोष ध्वनि की अघोष जो व्यंजन वर्ण है आपका प और फ आपके अघोष ध्वनि है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आ से जो संबंधी अशुद्धियाँ दिया है जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो आ से जो संबंधी जो अशुद्ध जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो अशुद्ध शब्द एक साइड दिया है, तो यहाँ पे अशुद्ध आपके इस लाइन में है, अशुद्ध शब्द उस लाइन में है। तो यहाँ पे अन्वेषण का यहाँ पे जो शुद्ध शब्द अन्वेषण हो जाएगा, तो यहाँ पे और आशीर्वाद का हो जाएगा आशीर्वाद, और अध्यात्म का हो जाए आपका अध्यात्म। मतलब आपका जो राइट साइड है आपका शुद्ध शब्द है, लेफ्ट साइड आपका शुद्ध शब्द है। तो अत्यधिक, कवित्री ये सब दिया गया है। तो ये जो छह दिया गया है ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ से जो संबंधित अशुद्धि है जो कि अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये पाँच छः आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। मात्रा और हलंत हिंदी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो है आपका भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी आपके किस परिवार की भाषा है? तो लैटिन, भारूपी या रशियन या आपके डी है अमेरिकन? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भारूपी परिवार के अंतर्गत आता है हिंदी भाषा, तो इसको याद रखिए। तो भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी जो भाषा है आपके किस परिवार की भाषा है अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको भारूपीय परिवार की भाषा है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके हिंदी के लिए बहुत जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो मीराबाई रसखान को, सूरदास जी को या गदाधर भट्ट को? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सूरदास, याद रखिए। तो अष्टछाप के जहाज किसको कहा जाता है? तो आपके सूरदास जी को कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल हैं विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या डी आपके सभी। इसके सही ऑप्शन डी ऑप्शन सभी। तो विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या आपके आदिकाल के प्रमुख जो कि कवि हैं, तो इनको शामिल किया है आपके आदिकाल के। तो इसको याद रखिए, प्रमुख आदिकाल के कवि हैं, इनको नाम को याद रखिएगा, विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चकमक किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की, फारसी, अरबी या पुर्तगाली। तो चकमक जो है आपका आपके तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसको भी याद रखिए। भाषा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुर्तगाली शब्द और आपका अंग्रेजी शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जो है आपके छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं, जो छायावाद के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नराला या डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सुमित्रानंदन पंत और आपके जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये जो उपरोक्त सभी है आपके प्रमुख छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं या प्रमुख छायावाद के कवि हैं, तो इनको याद रखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो सौरसेनी, अभ्रंश से, खड़ी बोली से, मैथिली या अवधित। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सौरसेनी, अभ्रंश से। तो आपका जो ब्रज भाषा की जो उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपके सौरसेनी अभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती थी, इसका ये ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भी घोषित की गई है? तो 343, 343 एक में, 343 दो में, 343 में तीन में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 343, 343 में आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में, यहाँ पे आर्टिकल 343 में, इसके तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा यहाँ पे घोषित की गई है, तो इसको भी याद रखे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि आपके आपके देवनागरी होगी? तो ये आपको कहा है आपके आर्टिकल 343 में, 343 में कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि आपके देवनागरी होगी। तो वर्तमान में संविधान में अनुसूचित भाषाओं की यहाँ पर संख्या 22 है, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ये आपके प्रशासनिक अधिकारी जो परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल जो यहाँ पे वर्ण है आपका 52 वर्ण है, तो इसको याद रखिए, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, पढ़ाया भी हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग के वीडियो, अगर नहीं देखा देख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 11 स्वर हैं, तो इसको भी याद रखिए। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या यहाँ पे 11 है, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों को उच्चारण में सहायक हों वे आपके स्वर कहलाते हैं। इसमें 11 स्वर हैं, इस प्रकार है आपके अ, आ, ई, उ, री, ए और ओ और औ, ये आपके 11 स्वर हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपसे पूछ दे व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में कितनी है, तो 33 व्यंजन हैं, तो इसको भी याद रखिए। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं, इसको भी याद रखिए। उच्छिप्त व्यंजन पूछे तो यहाँ पे 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, तो इसको भी याद रखिए। मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में इसका पहला दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके क्वेश्चन पूछा गया पुलिस परीक्षा उत्तर प्रदेश के आश्रित नागरिक परीक्षा में। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा आपको कब मिला है? तो सन 14 सितंबर 1949 में दर्जा मिला है राजभाषा को, तो इसको याद रखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को खालिस्तान के रूप में मान्यता मिली है? तो हिंदी को कौन से रूप में मान्यता मिली है? तो इसको राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। तो ये आपके जो व्यापक जो प्लाटून कमांडर 2016 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान के यहाँ पे हिंदी को यहाँ पे राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपके व्यापम प्लाटून कमांडर 2016 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन को पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है, चौथा, दूसरा, तीसरा या पांचवा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तीसरा। तो याद रखिए, विश्व की जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है,
तो हिंदी भाषाओं में हिंदी का जो स्थान थर्ड पोजीशन पर है। तो हिंदी भारत की जो कि प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। विश्व की शक्तिशाली भाषाओं में से एक इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा है प्लाटून कमांडर में, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली किससे संबंधित है। तो आपके व्यापम प्लाटून कमांडर 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, या आपके डी है पहाड़ी हिंदी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली किससे संबंधित है, तो आपके पूर्वी हिंदी से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्वी जो हिंदी की अवधि एवं छत्तीसगढ़ी प्रमुख बोलियां हैं, तो इसको भी याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली भाषा का केंद्र माना जाता है। आपके व्यापम पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तिरहुत, अयोध्या, कुरुजनपद, लखनऊ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तिरहुत। तो मैथिली भाषा का केंद्र किसको माना जाता है, तो आपके तिरहुत को माना जाता है। मैथिली भाषा का जो केंद्र तिरहुत है, या आपके अन्य स्वतंत्र साहित्यिक भाषाओं की तरह मैथिली की भी अपनी एक प्राचीन लिपि है, जिसे आपके तिरुताज या आपके मिथिलाक्षर कहते हैं। इसका विकास आपके नई आपके शताब्दी ईस्वी में शुरू यहाँ पे हो गया था। आजकल छपी हुई पुस्तकों में अधिकांशतः देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होने लगा, जो कि यहाँ पे जो कि भारतीय संविधान में इसको मान्यता भी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके व्यापम पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बलूची, यूनानी, द्रविड़, पैसाची। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पैसाची। तो ददर भाषा का दूसरा नाम इसको पैसाची भी कहा जाता है। आपके एसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा है। तो ददर का दूसरा जो भाषा नाम है आपका कौन सा है, तो ददर का भाषा का दूसरा नाम आपका पैसाची है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के मूल शब्दों जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं तत्सम, सॉरी तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, या आपके दिशा शब्द। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्सम शब्द। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं, या आपके कहलाते हैं आपका तत्सम शब्द, जिसको याद रखिएगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों त्यों प्रयोग किए जाते हैं, आपके तत्सम कहलाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जितना भी प्रीवियस ईयर हुए क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया, तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको रिवाइज भी कीजिए, ताकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी का, जो आपके एग्जाम पे सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं डेली बेस पे करंट पे भी पढ़ाता हूं, तो करंट पर भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।